नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप एक एम्प्लॉई है और किसी कंपनी या प्राइवेट संस्था में जॉब करते हो और आपकी रिक्वायरमेंट है एक्सेल शीट में सैलरी शीट बनाने की, तो आज हम आपको आसान तरीके से सैलरी शीट बनाना बताएंगे। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर आपको एक्सेल खोल लेना है एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे सैलरी शीट एंड एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर हम सीरियल नंबर डालेंगे SN एंड यहाँ पर नेम एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम क्या होंगे तो आप नेम डाल देना एंड उनकी बेसिक सैलरी क्या है वो डालेंगे एंड यहाँ पर अगर उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम है तो वो डाल देंगे एंड यहाँ पर अगर फंड काटना है आपको तो यहाँ पर PF डाल देंगे, कितना परसेंट काटते हो आप वो डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल देते 10% एंड 5% डाल देते, ओके। एंड यहाँ पर ये डालने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पर नेम डालेंगे एम्प्लॉय के एंड यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डाल देते हम राजू, अजय, प्रिया, प्रमोद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सैलरी इनकी बेसिक सैलरी इनकी 9000, 10000, 12000 एंड 15000, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। एंड अगर इनने कोई एक्स्ट्रा इनकम की है वो हम यहाँ डाल देंगे, तो एक्स्ट्रा इनकम इनकी राजू की कितनी है तो इनकी है राउंड फिगर डाल देते हैं 10000, ठीक। एंड यहाँ पर अब ये डालने के बाद थोड़ा हम इसको सेट कर लेते हैं इतना, ठीक है। एंड यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे 1 के बाद एंड 2 भी डाल दें और यहाँ पर ड्रैग कर दें, ओके। एंड यहाँ पर इनको थोड़ा सेटिंग कर लें, सेंटर कर लें और यहाँ पर ऐसा कर लें, ठीक है। एंड यहाँ आपको यहाँ पर आपको PF हो गया 5% एंड यहाँ पर ग्रोस सैलरी डालना है आपको एंड नेट सैलरी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। एंड यहाँ पर इसको मर्ज कर देंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद ठीक है, एंड यहाँ पर कॉलम डाल देंगे, इसको थोड़ा सीरियल नंबर को छोटा कर लेंगे एंड कॉलम डाल देंगे। कॉलम कहाँ से डालेंगे आप, यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, इनको हम सेंटर ले लेते हैं, ठीक। एंड इनको एम्प्लॉय नेम को भी सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं एम्प्लॉय नेम, एंड छोटा रहेगा तो बेस्ट रहेगा, सिंपल सा इसको ड्रैग कर देते हैं। एंड यहाँ पर रेप टैक्स कर देते हैं एंड सेंटर ले लेते हैं, टैक्स एंड सेंटर, ठीक है। एंड थोड़ा इसको भी छोटा कर देते सेंटर, PF को सेंटर ले लेते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इसे सेटिंग भी आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी साथ में। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर टैक्स कर देते इसको और सेंटर कर देते हैं एंड नेट सैलरी इसको भी ले लेते हैं एंड रेप टैक्स एंड सेंटर, ठीक। एंड इनको बोल्ड कर देते हैं एंड इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर सैलरी शीट ये कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर आपको PF निकालना है यानी कि 5%। उससे पहले दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पर ग्रोथ सैलरी हम यहाँ लिखेंगे, एंड रेपटेक्स करते हैं, एन या पीएफ कर देते हैं, पीएफ 5% प्रोविडेंट फंड। अगर कंपनी पीएफ काटती है आपको तो यहाँ पे जो भी परसेंट है आप डाल सकते हैं, कंपनी या कोई संस्था, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रोथ सैलरी देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय राजू है, उन्होंने बेसिक सैलरी यानी एक्स्ट्रा इनकम की है इस कंपनी या संस्था में रखे, तो यहाँ पर दोनों को प्लस किया जाएगा सिंपल सा। एंड यहाँ पर फर्स्ट सेल बेसिक सैलरी सेल सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस दबाएंगे, एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम और तो यहाँ पर ग्रोथ सैलरी आ जाएगी, एंड यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो सभी में आ जाएंगे इनकम। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। अब पीएफ आप किस में काटना चाह रहे हो, ग्रोथ सैलरी से काटना चाह रहे हो या बेसिक सैलरी से? तो यहाँ पर हम पीएफ काटते हैं, यहाँ पर बेसिक सैलरी से आप काटना चाह रहे हैं तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो काट दिए, तो हम बेसिक सैलरी से रिक्वायरमेंट है हमारी तो हम बेसिक सैलरी से पीएफ काट देते हैं, तो यहाँ पर इक्वल दबाते हैं, एंड यहाँ पर 9000, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई स्टार, एंड यहाँ पर कितने परसेंट करना है 5%, एंड डिवाइडेड एंड 100, तो यहाँ पर 5% 9000 का इतने आ गए 400%, ड्रैग कर देते हैं तो ये हमारे पीएफ कटेगा बेसिक सैलरी में से। अब हमको नेट सैलरी कितनी मिल रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ से पीएफ को माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इक्वल, एंड यहाँ पर माइनस, एंड 450 एंड 450 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पर राजू को इतनी सैलरी मिलेगी, एंड ड्रैग कर देंगे तो सभी के आ जाएंगे राजू अजय प्रिय प्रमोद, तो यहाँ पर नेट सैलरी इनको मिलेगी, ठीक है। तो बस आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम है तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, अगर डिडक्ट है तो माइनस कर सकते हो ग्रोथ सैलरी से या फिर आप बेसिक सैलरी से, सिंपल सही तो रहता है। अगर आपको कुछ और इनकम जोड़नी है तो यहाँ पर आप कॉलम बढ़ा सकते हो और काम कर सकते हो। तो हमने सिंपल सा अगर आसान तरीके से दबाए, कोई छोटी कंपनी या संस्था है तो आपको बेसिक सैलरी लिखना है, एक्स्ट्रा इनकम है या डिडक्शन है, तो देखिए डिडक्शन भी ले लिया मैंने, पीएफ कट रहा है एंड नेट सैलरी में निकाल ली। यहाँ पर मैंने पीएफ यहाँ से बेसिक सैलरी से काटा, अगर आपको ग्रोथ सैलरी से काटा है तो ग्रोथ सैलरी से काट लीजिए, एंड यहाँ पर पीएफ और ग्रोथ यानी कि डिडक्शन और जो आपकी टोटल इनकम जो भी ग्रोथ सैलरी है सॉरी, एंड दोनों को माइनस किया है तो मेरी नेट सैलरी आएगी, मुझे इतना अमाउंट मिलेगा कोई भी एम्प्लॉय को। तो इस तरह से हम सैलरी शीट बना सकते हैं आसान तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।